अक्टूबर महीने में हो रही बेमौसम बारिश से किस देश का किसान परेशान है, आम आदमी भी परेशान है। अक्टूबर महीने में पूरे भारत में औसत से 80% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश के चलते ही मॉनसून भी वापस नहीं लौट पा रहा। हालांकि उत्तर भारत में स्थितियां बदली हैं और यहां से मॉनसून वापस लौटने लगा है। इसके चलते अगले कुछ दिन में बारिश घटती जाएगी और मौसम में सूखापन बढ़ता जाएगा। उधर झारखंड के कुछ हिस्सों में मॉनसून की वापसी हो चुकी है। 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से झारखंड प्रदेश से मॉनसून की वापसी हो जाएगी। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिसके असर से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी हिस्से से भी मॉनसून लौट गया है। बाकी हिस्सों से 3 दिन के भीतर मॉनसून की वापसी की संभावना जताई गई है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा जिला से मॉनसून की वापसी हो चुकी है। अगले 3 दिन के भीतर झारखंड में बाकी हिस्से से भी मॉनसून लौट जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के साथ भोपाल से भी मॉनसून की विदाई के संकेत दिखाई दिए हैं। शहर में मॉनसून की विदाई की परिस्थितियां बन चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिनों में मॉनसून की विदाई की घोषणा हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून का साथ अभी लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य तौर पर दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून वापस लौटते हुए 11 अक्टूबर तक प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस बार बरसात पीछे हटते दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से अभी मॉनसून थोड़ा लंबा खिंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।